It was the beautiful time of last year winters. In December, we went to see the great run of Kutch. वैसे तो ये कहानी पिछले साल की है, पर आजकल प्रोक्रेस्टिनेट करने की आदत किसकी नहीं है। Let's go! प्रॉब्लम ये थी कि रूम और बाइक बुक ही नहीं किए थे। फिर कई घंटे और पूरे गुजरात को कॉल लगाने के बाद फाइनली इट वॉज डन। अशा प्रकारे आमचं सगळं आता सॉर्ट झालंय। आतापर्यंत होत नव्हतं, दोन माणसं बसले तर नाही होणार आहे काही पण। अँड आफ्टरवर्ड वी डिड दिस। सफर तो वैसे मुंबई से शुरू हुआ था क्योंकि पुणे से सीधा कच्छ जाने के लिए कोई ट्रेन नहीं। एंड दिस वाज माय सेकंड टाइम इन मुंबई। दिन के उजाले में मुंबई तो देख ली थी, पर इस बार रात में देखना चाहता था। People say Mumbai doesn't sleep, but I've also heard that it's city of dreams. पर सपने देखने के लिए तो सोना पड़ेगा ना? Then what's truth? लेकिन यहाँ सपने वो होते हैं जो इंसान को सोने नहीं देते, और जिन्हें पूरा करने के लिए you have to work for it. It's true, Mumbai कभी सोता नहीं है। दोनों जगह में इतना contrast था कि I tried to wrote a poem. Between docks and drive, at 3 a.m. the city is alive. In the shadow of dawn, two worlds collide, one moving, one still, both side by side. A world of hustle where sleep can't last, the scent of the sea and the netting cast. Tired eyes, but hearts aglow, in this harbor of life, time moves slow. A contrast so sharp, two worlds unseen, both part of the same city's dream. अब आते हैं असली मेन कहानी पर। यहाँ से होता है कच्छ के लिए सफर शुरू। आफ्टर 20 आवर्स लॉन्ग जर्नी वी फाइनली रीच। वी वेंट टू द होटल, टुक सम रेस्ट, ग्रैब अवर बाइक, लेट्स गो। एक सवाल है, पत्थर मजबूत होगा या पानी? अगर मुझसे पूछोगे तो मेरा जवाब पानी होगा, क्योंकि हम जब खारी नदी आए तो ये नदी मेरे जवाब का सबूत देती है। नदी ने अपना रास्ता पत्थरों को चीर के बनाया था। इट इज अ रिवर विच कार्व इट्स वे थ्रू स्टोन्स। यू कैन कॉल इट लिटिल ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया। एक दिन में तीन लोकेशन कवर कर लेना इज मोर देन अ फुल डे इन ट्रिप। द लास्ट वन वाज सनसेट एट कच्छ। भुज से कच्छ तक 2 घंटे का रास्ता था, अगर वो भी तब अगर हम लगातार गाड़ी चलाएं। Meanwhile, सब पलीकडून जा थोडासा। हमें ये भी पता था कि हम सर्दियों में मेन सीजन में आए हैं तो क्राउड होगा, पर हम ये भूल गए कि इंडिया में ट्रैफिक कहीं भी और कभी भी लग सकता है। अगर इंसान 9 to 5 कर रहा है तो वो बस कुछ ही दिनों में अपने सारे सपनों को पीछे छोड़कर जिंदगी में बस सनराइज और सनसेट देखने की चाह रखता है। अगर दोनों में से कुछ भी मिस हो जाए तो बस। जैसे जैसे हम कच्छ की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे सन भी उसी रफ्तार से सेट होने के लिए बढ़ रहा था।
और वहां पहुंचकर ट्रैफिक। That was the worst case scenario, that sun is sitting by your side and you have traffic. I started questioning myself. This is it. Am I lost? Am I mistaken? Am I going to be the guy who misses the first sunset of the first day of long awaited trip? No. Fears and doubts. More moment like this would make all the struggles and chaos worth it. In that short slice of time, I felt freedom. Leap of faith and go! I'd rather die than live in fear.